फिर स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, एक लंबी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण। दोनों हाथों का घर्षण, आंखों पे हाथ लगाइए, हाथों की तरफ देखते हुए धीरे से आंख खोल दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम योग उपनिषद की क्विज लेने वाले हैं। आप बोल दीजिएगा, मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही कि नहीं। हो रहा है ठीक से? यस मैम। पूंजी ठीक हो ना? हाँ हाँ मैम, एकदम सुर में आ रहे हैं आज। चलो शुरू करते हैं। सुर में रहते सच में, चलो ऐसे ही रहा करो। हंसते हंसते मैम, डी ऑप्शन दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हाँ 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 कर रही हूँ कर रही हूँ। ठीक है जी मैम। अगर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रस्थान त्रय कहते हैं, जी सही जा रहे हैं सब। चलो मैम आज नेक्स्ट महर्षि वेद व्यास आए अपने क्लास में। क्या पूनम महर्षि जी बात वेद व्यास आए अपने क्लास में। चलो आओ भाग्य हमारे। जी अच्छा अच्छा चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योग उपनिषद कुल कितने हैं? ठीक से क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा ऑप्शन सही है? तृप्ति जी आप बताइए। 20 मैम, कंफ्यूज हूँ मैं। हाँ कुल वो 20 है, हमारे एग्जाम के लिए सिलेबस के लिए वो 8 है, इसीलिए हमने 8 सीखे, लेकिन वो 20 है, याद रखिएगा। सब जिन्होंने उससे अलावा आंसर दिया है याद रखिए, योग उपनिषद टोटल 20 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए उपनिषद में निम्न में से कौन से है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका आंसर है बी एंड सी, दैट इज श्वेताश्वतर एंड योग कुंडलिनी, ये जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए उपनिषद है। नेक्स्ट इज श्वेता श्वेतर अनुसार मन शुद्ध किया जाता है, वो कौन सी चीज है जिससे मन शुद्ध किया जाता है, ऐसे कहा है? जी बिल्कुल सही, वहां पे कहा गया है कि अग्निमंथन, प्राणायाम और सोम रस की अधिकता, इन तीनों से ही मन शुद्ध किया जाता है। श्वेता श्वेतर अनुसार अग्नि मंथन है, क्या है? जो अग्नि मंथन करते हैं वो श्वेता श्वेतर अनुसार कौन सा है, किसे कहा जाता है अग्नि मंथन? जी बिल्कुल सही, जो ओम का उच्चारण हम करते हैं उसे
अग्निमंथन कहा गया है इस उपनिषद में। नेक्स्ट, श्वेता श्वतरनुसार ध्यान का उद्देश्य क्या है? श्वेता श्वतर उपनिषद अनुसार ध्यान का उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल सही, सब पढ़ के आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है। ध्यान का उद्देश्य है परमात्मा का साक्षात्कार। नेक्स्ट, श्वेता श्वतर अनुसार ध्यान में जब हम बैठते हैं तो क्या सीधा रखना है? सिर या गला, छाती या दोनों, या आंखें सीधी रख के बैठना है? जी बिल्कुल सही, सिर गला और छाती सीधे रख के बैठना है। फिर नेक्स्ट इज, श्वेता श्वतर में ध्यान हेतु नौका का वर्णन किया गया है, कौन सी नौका कही गई है? कौन सी रूपी नौका? विष्णु रूपी, राम रूपी, ओमकार रूपी? जी बिल्कुल सही, ओमकार रूपी नौका का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता श्वतरनुसार ध्यान का उपयुक्त स्थान, कंकड़ रहित, रेती या बालू रहित, अग्नि रहित, नेत्रों को पीड़ा न देने वाला, या वायु शून्य स्थान, या ये सभी स्थान उपयुक्त है? सही, ये सभी जो है वो ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेता श्वतरनुसार ध्यानारंभी साधक को क्या दिखता है? जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो एक एक सिद्धियां मिलती है, लक्षण होते हैं, क्या क्या सफलता के लक्षण बताए गए हैं, क्या दिखता है पहले? जी बिल्कुल सही, बी इज राइट, कोहरा दिखता है। तो ये जो लक्षण है सफलता के, उनको क्रम में लगाना है। कौन बताएगा ये क्रम? माइक खोल के एक बार बता दीजिए। मैम पहले कोहरा आएगा, फिर धुआं, फिर सूर्य, फिर उसके बाद में आपके वायु, फिर अग्नि, फिर जुगनू, फिर बिजली, फिर स्फटिक मणि, और लास्ट में चंद्रमा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दिया, अगर इधर उधर होती है तो मुझे बताना, मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा, श्वेता श्वतरनुसार पंच महाभूतों के उत्थान का फल क्या है? जो पंच महाभूत है उनका जो उत्थान होता है तो उससे क्या होता है? जी बिल्कुल सही, सिद्धि प्राप्ति होती है, पंच महाभूत सिद्धि इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज, श्वेता श्वतरनुसार योग सिद्धि के लक्षण। कौन से कहे गए हैं? जी बिल्कुल सही, लघुत्वम, आरोग्य, अनासक्ति, मधुर स्वर होता है, उज्जवल वर्ण होता है, ये सभी उसके लक्षण बताए गए हैं। जो श्वेता श्वतर उपनिषद है उसके अनुसार जगत की रचना कैसे होती है कहा गया है?
वेरी गुड, जड़ चेतन और संयोग से, जड़ और चेतन के संयोग से जगत की रचना कही गई है वहां पे। और जो जगत की रचना की गई है उसका एक क्रम कहा गया है, जो तत्व बताए वो किसी को पता है? मैम पहले प्रकृति आएगा, फिर प्रकृति और पुरुष आएंगे, फिर हमारे तीन गुण आएंगे सत्व रजो और तम, फिर हमारे फिर आएंगे हमारे पंच महाभूत और उनके अंदर आएंगे मन बुद्धि और अहंकार, ऐसे करके आठ। यस, 1 2 3 8 ऐसे वो रचना बताई गई है। बिल्कुल सही। श्वेता शतरनुसार परमेश्वर का वर्णन क्या कहा गया है उसको? जी, वेद व्यास पहला नंबर, बिल्कुल सही। वो कालों का काल, सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ है वो परमेश्वर। श्वेता शतरनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परमात्मा प्राप्ति का साधन क्या कहा गया है? जी बिल्कुल सही, सी। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। फिर आगे है, श्वेता शतरनुसार अग्नि स्थित है, कहाँ पे अग्नि स्थित है ऐसे कहा गया है? जी बिल्कुल सही, जल में अग्नि स्थित है वैसे कहा गया है। नेक्स्ट, श्वेता श्वेतर उपनिषद में परमात्मा को संबोधित किया है किस शब्द से? ये जो शब्द किए गए हैं इनमें से कौन से शब्द से उसको संबोधित किया है? बिल्कुल सही, वो एक हंस है, परमात्मा है, और वहां पे जैसे जल में बिजली छुपी होती है वैसे ही जल में अग्नि है ऐसे कहा गया है, और उसको हंस से संबोधित किया है। श्वेता श्वेतानुसार परमेश्वर समान भक्ति होनी चाहिए। ठीक से पढ़िए, याद कीजिए, श्वेता श्वेतानुसार। जी आंसर बदल रहे अभी, परमेश्वर समान भक्ति होनी चाहिए। जी गुरु में जिन्होंने डी लिखा था, याद रखिए। नेक्स्ट, श्वेता श्वेतर उपनिषद है कौन से वेद से है? चलो अपने अपने इस पे ध्यान दो, वेद व्यास ब्रह्मा कोई भी आए अपनी कक्षा में, हमें खुद अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। जी कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्वेता श्वेतानुसार ये परम रहस्य ज्ञान जो है वो किसे देना चाहिए? सही, डी, उपरोक्त सभी को देना चाहिए। किसी ने सी लिखा है, राधिका जी ने भी, और योगा की फिटनेस आपने चेंज भी कर दिया। ओके, सुपात्र मैम, वही। वो मेरी हाँ नजर सिर्फ सुपात्र पर ही पड़ी तो मुझे लगा वही राइट आंसर है। अच्छा, वैसे ही होता है एग्जाम मैम। उसमें बताया था ना कि चाहे पुत्र भी अगर योग ना हो ना, तो योगी ना हो तो नहीं देना चाहिए। अच्छा, योगी नहीं पढ़ा पर हाँ, योग। वही वही यही एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, हम जल्दी जल्दी होते हैं, एक ही वर्ड हमारे दिमाग में होता है, और वैसे तो ध्यान से पढ़ना है वहां भी, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट।
श्वेता श्वतर है, ये कौन है? कौन गुस्सा हो गया? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कुछ। अपने अपने काम पे ध्यान दो। कौन है श्वेता श्वतर? जंगल का नाम है, राज्य का नाम है, ऋषि का नाम है। बिल्कुल सब सही जा रहे हैं। ये एक ऋषि है और उन्होंने तप के प्रभाव से ब्रह्म को ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जाना था, ब्रह्म ज्ञान लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग कुंडलिनी उपनिषद है, नेक्स्ट उपनिषद आया अभी हमारा। जी, और जो पहला था वो कौन सा था? श्वेता श्वतर, कौन से वेद से? सेम था मैम कृष्ण। जी जी बिल्कुल सही। और इसमें योग कुंडलिनी में अध्याय की संख्या कितने दिए हैं? तीन। तीन इसमें किस योग की चर्चा की गई है योग कुंडलिनी में? जी बिल्कुल सही। तो किसकी चर्चा है? अगर उसमें योग नहीं है कोई भी, तो किस बात की चर्चा है? टाइप कीजिए मेलन की मैम। और टाइप कीजिए। जी बिल्कुल जी सही। प्राणायाम और वो मेलन मंत्र। यस, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, योग कुंडलिनी में कहा गया है, इसके बारे में कहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? टाइप कीजिए। जी बिल्कुल सही, प्राणायाम के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग कुंडलिनी में वर्णन है, बिल्कुल सही जा रहे हैं सब। उसमें खाली प्राणायाम ही नहीं, निबंध का भी है, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का भी वर्णन है, उपरोक्त सभी। योग कुंडलिनी अनुसार वासना व वायु है, ये सिद्धि के उपाय है, चंचलता के कारण है, दोनों है या क्या है? बिल्कुल सही जा रहे हैं सब, ये चित्त की चंचलता का कारण है। तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, चित्त की चंचलता का कारण वासना और वायु है, ये भी ध्यान में रखना है। योग कुंडलिनी अनुसार वायु जय के उपाय। ठीक से देखिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। योग कुंडलिनी अनुसार वायु जय के उपाय है, मिताहार और आसन और शक्तिचालिनी मुद्रा भी है, तो ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योग कुंडलिनी अनुसार सहित कुंभक के भेद। ये कौन से चार है, कोई बता सकता है? सूर्य, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और वस्त्री। ओके, और बस सहित ही बोला है या और भी कोई कुंभक उसमें बताया गया है? चर्चा केवल कुंभ की चर्चा भी की। की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो यही है, बोलो अब। योग चलो अभी बताया था हमें, सूर्य बेदन, उज्जायी, शीतली और भस्त्रिका, इन चारों की चर्चा, इन चारों के बारे में सहित, ये चार जो है वो सहित कुंभक बताए गए हैं योग कुंडलिनी में।
अब योग कुंडलिनी में जो दो आसन बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो है वो पद्मासन और वज्रासन, ये दो आसन योग कुंडलिनी में बताए गए हैं। योग कुंडलिनी में कुंडली जागरण के साधक साधन कौन से हैं? सरस्वती चालन, प्राणायाम, बी कुंभक, या ये सब है या इनमें से कोई नहीं है? जी बिल्कुल सही, सरस्वती चालन और प्राणायाम। योग कुंडलिनी में कुंडली के पर्यायवाची शब्द जो बताए गए हैं वो कौन सा शब्द बताया गया है? जी बिल्कुल सही, योग कुंडलिनी में कुंडली के जो शब्द है उसे अरुंधति भी कहा है, शब्द गर्भा भी और शब्दमयी भी कहा गया है। योग कुंडलिनी अनुसार सूर्य बेधन कुंभक जो करते हैं उसमें पूरक कहाँ से करते हैं? जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, राइट से यानी दाहिनी नोस्ट्रिल से। योग कुंडलिनी अनुसार सूर्य बेधन से निवारण होता है, इसका निवारण होता है। जी बिल्कुल सही, सूर्य बेधन से वात दोष भी दूर हो जाते हैं और उदर कृमि भी दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, योग कुंडलिनी अनुसार चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं वो प्राणायाम कौन सा है? अभी ये तो नींद में भी पूछे तो भी आ जाएंगे, ऐसे सवाल है। चलो वेरी गुड, हाँ हाँ व्यास जी, उज्जायी। चलो लाभ बताएं। योग कुंडलिनी अनुसार शीतली प्राणायाम के लाभ कहे गए हैं। मैम उसके ऊपर वाला क्वेश्चन रह हाँ गया ना, ऐसे मुझे भी लग रहा है वो लेफ्ट जी, राइट मुझे एक लगा एक छूट जैसे। गया। अच्छा ठीक है, अभी पहले ये कर लेते हैं शीतली का लाभ, फिर वो देखते हैं। ये बोल दीजिए, अच्छा बोल भी दिया है इसका ये शायद ना, वो मैं वही ढूंढ रही थी। शीतली का लाभ, जी बिल्कुल, सब के सब भूख प्यास जो है वो दूर हो जाती है। ऊपर की देखते हैं, ये हो गया था ना, ये व्यास जी का उज्जयी इतना लंबा चला कि मैंने दो छोड़ दिए क्वेश्चन। चल, योग कुंडलिनी अनुसार उज्जयी से दूर होता है, क्या क्या दूर हो जाते हैं? चलो जी बिल्कुल सही रहे, जलोदर, मंदाग्नि, नाड़ी अशुद्धि सब उज्जायी करने से दूर हो जाते हैं। योग कुंडलिनी अनुसार शीतली कैसे करते हैं? बिल्कुल सही, जीभ मोड़कर। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, योग कुंडलिनी अनुसार शीतली का लाभ, इसमें प्लीहा गुल्म रोग दूर होता है, पित्त और ज्वर का शमन, प्यास व तृषा दूर, उपरोक्त सभी।
प्यास और भूख लिखना चाहिए था मुझे, मैंने प्यास तृष्णा दोनों एक ही हो गया, आप समझ लेना। योग कुंडलिनी अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम का आसन, निगम जी आप बताइए। जी मैम, मुझे तो वज्रासन याद है। उड़ियान नहीं तो एक बार ठीक से नोट्स में देख बंद में लीजिए। बैठते हैं मैम, वज्रासन में। सॉरी याद नहीं था मुझे। ठीक है चल कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को, बाद में एग्जाम में गड़बड़ी ना हो जाए। योग कुंडलिनी अनुसार भस्त्रिका से निवारण होता है, चलो फोकस करो क्वेश्चन पे। योग कुंडलिनी अनुसार भस्त्रिका से निवारण होता है, और क्या क्या होता है कोई बताएगा? ये सही है कि गले की जलन जो है वो दूर हो जाती है, और भी कुछ जठराग्नि होता प्रदीप्त है? होती, जठराग्नि तीनों प्रदीप्त जी, और कुछ? ग्रंथि का भेदन होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, यस सुख देने वाली होती। जी जी बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट देखो, अभी ये तो भी क्या अपना, योग कुंडलिनी अनुसार भस्त्रिका से किस ग्रंथि का भेदन होता है? वेरी गुड, तीनों ग्रंथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग कुंडलिनी अनुसार कुंभक करना चाहिए, क्या बताया है? कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? योगा की फिटनेस, योग की फिटनेस आप बताइए। हाँ मैम सभी होंगे, वो मेरा ध्यान सिर्फ बंदों पर ही लगा, प्रतिदिन हाँ करना चाहिए बिल्कुल, तीनों बंदों के ध्यान साथ से पद्मासन पढ़िए। लगाकर। यस यस जी मैम, यस हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योग कुंडलिनी में इस मुद्रा की चर्चा है, जी खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलन मंत्र के बारे में इस उपनिषद में चर्चा है, वो कौन सा उपनिषद है? जी बिल्कुल सही, योग कुंडलिनी उपनिषद में मेलन मंत्र के बारे में, और मेलन मंत्र किससे रिलेटेड है, कौन सी मुद्रा से या आसन से? केचरी खेचरी मुद्रा से। खेचरी मुद्रा, मुद्रा यस। मेलन मंत्र के 5 लाख जप से होती है प्राप्त, जी बिल्कुल सही, खेचरी मुद्रा से है, खेचरी सिद्धि इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग कुंडलिनी अनुसार इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए चाहिए, ठीक से पढ़िए एक बार, क्या वर्णन दिया है? ए बी सी डी बाकी है अभी। नौका, हाँ मनोज पाल जी, नौका, नाव भी है और नाविक भी है। ए बी ओंकार रूपी, सोनिया जी आप बताइए। जी मैम, इसका आंसर बी होगा। इसको मैम ने पढ़ाते टाइम पे भी कहा था कि कर्णधार नाविक रूप
गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और फिर ओमकार रूपी नाव के बारे में कहा हमने, देखा है, अभी क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने वो। श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया हाँ गया है। बिल्कुल, ये याद रखिए कि वो जो है वहां पे एक तो ओमकार रूपी नाव जो है वो श्वेता श्वतर में है, और कर्णधार नाविक रूपी गुरु जो है वो योग कुंडलिनी में है। नेक्स्ट, खेचरी मेलन मंत्र जो बताया गया है इसमें, वो किसने बताया है? बिल्कुल सही, ब्रह्मा ने बताया गया है ये खेचरी मंत्र। खेचरी मेलन मंत्र क्या है, किसी को पता है, कोई बोल सकता है? मैं बोलती हूँ, हाँ पहले आता है हिम, फिर आता है भम, फिर आता है तम, फिर आता है मम, उसके बाद में आता है पम, फिर उसके बाद में सम, फिर शम, छम। वेरी गुड। और ये इस वक्त साधक की दृष्टि के बारे में बताया गया है, वो दृष्टि के चरण किसी को पता है? मैंने क्वेश्चन में लिए नहीं है। हाँ, गाना गा के याद रखना होता है वैश्य जी, उसे तभी याद रहेगा वो। मैंने तो इसको याद ऐसे किया है कि ही और भय को मैंने याद कर लिया, उसके बाद में मैंने ना दोनों को मिला लिया, सम मतलब स और मैं को मिला लिया, सम कर लिया, और प हाँ और स है उसको मिला लिया, तो उसकी उसकी जगह पे मैंने पास मतलब याद करने के लिए इसको पास कर लिया, मतलब ये वैसे तो बनता है प और स, तो उसको ओके, मिक्स करेंगे तो पास हो गया, तो ये बीच के अक्षर याद रह जाएंगे, तो आगे पीछे की याद रख लो बस। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी चाहिए तो ये यूज कर लो इनकी ट्रिक। अच्छा, दृष्टि के तीन चरण कहे गए हैं, वेरी गुड। अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा। तो प्रतिपदा में जो प्रकाश कहा गया है वो कैसे कहा गया है? वेरी गुड, अल्प प्रकाश। और अमावस के दिन जो कहा है वो प्रकाश कैसे है? जी। और पूर्णिमा के दिन जो पूर्ण प्रकाश होता है उस वक्त आंखें कैसी होती हैं? जी बिल्कुल, पूरी पूरी होती है। चलो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, योग कुंडलिनी अनुसार ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। ओके राधिका जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड। इसके अलावा यहाँ पूरे पॉइंट नहीं लिख पाई मैं, और एक दो छूटे हैं, वो क्या है कोई बता सकता है? ब्रह्म प्राप्ति के उपाय जो कुंडलिनी जागरण, षटजंतु ध्यान और परिधान। आत्मानुसंधान, हाँ, और आत्मानुसंधान आत्मानुसंधान। यस, मैम खेचरी और मेलन तो हो गया है ना, ये हाँ, सब। वही दो बाकी थे। अब मुझे आठों उपनिषद जो है अपने, योग उपनिषद, वो लाइन से कोई बता सकता है नाम? जी सुफिया जी, यस मैम, पहला है श्वेता सतर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि, ऋषिको, योग तत्व, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु और योगराज उपनिषद। वेरी गुड। अभी ये जो उपनिषद है वो कौन सा उपनिषद, कौन से इससे लिया है, वेद से, वो बता सकते हैं? ये कोई और बताएगा? यस मैम, बताऊं? नहीं, कोई और, मनोज जी बताएंगे अभी।
ये प्रेजेंटेशन स्टॉप कैसे होता जी मैम बताता हूँ, है? हाँ कही। सारे बताने ना। हाँ, सारे। हाँ, जैसे पहला हमारा श्वेता सूत्र उपनिषद है, वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, हाँ और कुंडली योग कुंडली उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से ही लिया गया है, हाँ और उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद से ही हमारा योग तत्व उपनिषद लिया गया है, और ध्यान बिंदु उपनिषद लिया गया है, और अच्छा योग चूड़ामणि सामवेद से लिया गया है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, और नाद बिंदु उपनिषद हमारा ऋग्वेद से लिया जाता है, और योगराज उपनिषद किसी भी उपनिषद से नहीं लिया जाता, ओके वेरी किसी गुड। भी वेद में। और किसी के पास कोई ट्रिक है इसको याद करने की कि कैसे ये याद करते हैं क्या, कि अगर लाइन में याद करने हो तो? मतलब मैंने उसको ऐसे। हाँ कहिए। चीज देखो, त्रिशिक सिख में से आता है, वो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। हाँ एक तो याद हो गया, और योग चूड़ामणि हमारा साम वेद से है, और जो हमारा नाद बिंदु है वो ऋग्वेद से है, बाकी सब कृष्ण यजुर्वेद से। ओके और एक बच जाता है जो किसी भी वेद से नहीं है। तो हाँ जी मैंने वो भी जब इसको याद किया तो मैंने वो गाने में जैसे उन्होंने याद किया, मैंने उसको रिदम ही दिया था, कृष्ण कृष्ण साम शुक्ल कृष्ण कृष्ण ऋग्वेद, ऐसे वो मुझे वो एक रिदम अभी वैसे ही मुझे याद में है। तो ये आठ तो नाम याद है ना, तो ये मैं रिदम लगाती हूँ तो मुझे वो पता चल जाता है। तो आप उस हिसाब से करोगे तो भी अच्छा है। निगम जी ने कहा, वैसे भी मनोज जी ने जैसे कृष्ण यजुर्वेद के पहले याद रखे, फिर शुक्ल यजुर्वेद, फिर साम ऋग्वेद, वैसे जैसे चाहे लेकिन बस याद रखना। चलो अभी रुक जाते हैं हम। शांति पाठ कौन कराएगा आज? कोई कराएगा? अरे अभी कोई हाथ नहीं रहे, उठा रहा जी। योगा की फिटनेस कर दीजिए आप, शांति पाठ। चलो थैंक यू। जी अच्छा मैम, और बोलना है मनोज कुमार जी, सुना ना आपने? मैं क्या कह रहे हैं हाँ मैम मैम, मैं आप? करा रही हूँ। एक बार बोलो क्या कुछ तो मेरे मैम लिए है। वो, हाँ जी हाँ जी, वही बोला था ना मैंने, आपने कृष्ण कृष्ण वो एक बार से बोला था ना, दोबारा से बोलने के लिए बोला था मैंने। हाँ, वो मैंने ऐसे याद किया था, कृष्ण कृष्ण सा श्याम शुक्ल कृष्ण कृष्ण ऋग्वेद, और जो आठवा है वो तो है नहीं अपना। ठीक है जी मैम, जी, चलिए अभी। हाँ योगा की जी फिटनेस। मैम, जी मैम, हाँ मैम और एक बार बता दीजिए। कृष्ण कृष्ण श्याम कृष्ण कृष्ण साम शुक्ल कृष्ण कृष्ण शुक्ल, ऋग्वेद, साम काम शुक्ल ना, श्याम सामवेद से है ना, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल, कृष्ण ओके ओके, यजुर्वेद श्याम शुक्ल, सामवेद शुक्ल यजुर्वेद, देन फिर कृष्ण कृष्ण ऋग्वेद, जो सेवेंथ ऋग्वेद, वाला ओके है वो ऋग्वेद से है, और जो लास्ट वाला योगराज है वो ओके सर मैम, कृष्ण कृष्ण ऋग्वेद, हाँ चलो अभी शांति पाठ करेंगे। जी मैम, सभी किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधा करें, ध्यान मुद्रा लगाएं, गहरा लंबा सांस लें, थ्री टाइम ओम चैंट, बार गायत्री मंत्र, ओम भूर भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगवद्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वन टाइम ओम, टू टाइम शांति। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, परमात्मा का धन्यवाद करें। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम, थैंक यू, धन्यवाद। बोलो परमात्मा से अभी रुक जाते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मैम, बहुत अच्छा लिया आपने। थैंक यू।